हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम देखने वाले विकास मल्टीकॉर्प में अपर सर्किट लग चुका है। देखो, और नॉर्मली क्या होता है, अपर सर्किट लगने के बाद बीच बीच में सर्किट खुलता भी है, पर आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, किसी ने बेचा ही नहीं है। मतलब ये जो सुबह 10:30 बजे सर्किट को लगा और उसके बाद इसमें ट्रेड ही नहीं हुआ, ये पूरे दिन अपर सर्किट पे ही लगा रहा। नॉर्मली हमने देखा है कि ये अपर सर्किट लगने के बाद कहीं ना कहीं तो भी खुलता है, फिर नीचे आता है, पर आज के दिन में देखो पूरा पॉजिटिव ट्रेड हुआ इसमें। ये 3 रुपए पे ओपन होने के बाद पहले तो ये नीचे आया 2 रुपए 95 पैसे पे, यहाँ पे कुछ देर तक ट्रेड हुआ। देखो कहाँ तक ट्रेड हुआ है, 10:06 के आसपास तक ट्रेड हुआ, और यहाँ से एक्चुअल बाइंग शुरू हुआ इसमें। मैं आपको डिलीवरी रिपोर्ट दिखाऊंगा, तो ये रहा डिलीवरी रिपोर्ट। ये देखो आज के दिन में ये बाइंग ऑर्डर है 1/4 में। अभी तक एक ही रिपोर्ट अपडेट हुआ है जो कि 2,61,338 शेयर डिलीवरी में उठाए गए हैं 3 रुपए 3 रुपीज 05 ये रेट पे। मतलब जो इसका अपर सर्किट का रेंज है, ये 3 रुपीज 05 पे ये जो अपर सर्किट का रेंज है, ये देखो यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है ऊपर की तरफ, फिर यहाँ जाने के बाद जैसे मैंने बोला था आपको, ऑपरेटर लोग जो 50-50 60-60 लाख शेयर खरीद के रखते हैं, समझो उन्होंने यहाँ पे खरीदा होता 2 रुपए 95 पैसे पे खरीदा होगा और उन्होंने बेचा होगा 3 रुपए 5 पैसे पे। तो ये बेचने के बाद उन्होंने जो सेल ऑर्डर लगाया था उसमें से एग्जीक्यूट हुआ ये ऑर्डर। 2,61,338 शेयर एग्जीक्यूट हुए हैं आज के दिन में, लार्ज क्वांटिटी। ये एक ही अपडेट हुई आज तक, अभी तक इस एनएससी की वेबसाइट पे। तो ये एक बड़ी डील है। और देखो एनएससी पे अगर हम वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम होने के लिए आज कुछ था ही नहीं, क्योंकि सुबह के मॉर्निंग सेशन में लग गया, इसलिए 19,44,000 शेयर ट्रेड हुए हैं। ये भी कम नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा है, पर 19 लाख में से देख सकते हो आप 10,75,000 शेयर इसमें डिलीवरी में उठाए गए। 19 लाख में से 10,75,000, मतलब परसेंटेज में देखा जाए तो कितना हो गए, 55.33% शेयर इसमें डिलीवरी में उठाए गए हैं। और जो अपर सर्किट लगा वो अपर सर्किट पे बाइंग के लिए कितने हैं, 1,03,200। 1,03,200 शेयर्स ऐसे हैं जो ये अपर सर्किट लेवल पे भी बाइंग ऑर्डर लगा के रुके हुए हैं, जो कि अभी तो मार्केट क्लोज हुआ, पर मंडे को जब होगा तब ये ऑर्डर एग्जीक्यूशन होगा इसका, एमओ लगा के रखा होगा। तो देखो ये पॉजिटिव बात है। आज ये मोमेंट क्यों आया इसके ऊपर भी न्यूज है। ये रही न्यूज विकास मल्टीकॉर्प में, इन्होंने क्या किया, क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। ठीक है, विंडो क्लोज कर दी इन्होंने, क्योंकि अभी ये मंथ में विकास मल्टीकॉर्प का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। उन्होंने क्या बोला है, देखो पीडीएफ में उन्होंने क्लियरली बोला है, वी राइट टू एडवाइज दैट ट्रेडिंग विंडो इन टर्म्स ऑफ सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब जो कंपनी के अंदर के लोग हैं वही माल खरीद लेते हैं, ऐसी भी बातें होती रिजल्ट के पहले। अगर रिजल्ट अच्छा आने वाला होगा तो पहले ही इसके जो कंपनी वाले लोग हैं शेयर्स खरीद लेते हैं, कंपनी के अंदर काम करने वाले। तो उस वजह से उन्होंने क्या किए, करते हैं कि जो कंपनी के बीच में काम करने वाले लोग हैं इनके लिए विंडो क्लोज कर देते हैं, ये ट्रेडिंग विंडो। तो देखो ये क्या है, इमीडिएट रिलेटिव विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2021 टिल द एक्सपायरी ऑफ 48 आवर्स आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट। मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर जब होगा उसके 48 घंटे बाद तक ये विंडो क्लोज रहेगी, इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो इसलिए। फर्दर द डेसिग्नेटेड पर्सन हैव बीन इंटिमिडेट नॉट टू ट्रेड इन द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द अबाउ सेड पीरियड ऑफ क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। मतलब आज से जो कंपनी के बड़े पर लोग हैं, तो मतलब डेसिग्नेटेड पर्सन रहते जो ऊपरी पोस्ट पे है, जिनको पता होता है कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस किया है या आगे जाके क्या करेगी,
उनको पहले ही इंटीमेटेड कर दिया है, मतलब बता दिया है उनको, वार्निंग भेज दी है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ये एक बात रहती है जो हर कंपनी को करनी पड़ती है, उसका ही इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में, जो ये वॉल्यूम हुआ है, क्योंकि लोगों को पता होता है तो लोग किसी और के जरिए से शेयर्स खरीद ही लेते हैं, तो उस वजह से मेरे हिसाब से विकास के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और वो मैटर करता है, इसलिए ये आज अपर सर्किट लगा है। और देखो ये जो कैंडल बनी, आज की कैंडल देखो, मैंने कल के वीडियो में क्लियरली बोला था कि ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा, यहाँ से इसने सपोर्ट लेना चाहिए, वैसी ये ग्रीन कैंडल बनी है। और ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी ऐसी तो नहीं बनी है, ये देखो इसमें क्लियरली आपको दिख के आ रहा होगा, ये जो कैंडल बनी है ये वाली, ये ऊपर से इसको प्रेशर था, फिर भी ये ग्रीन बनी थी, पर ये देखो यहाँ कैसे हो गया, ये नीचे से ये जो विक बनी है, तो बाइंग प्रेशर ज्यादा है यहाँ पे, और ये कैंडल मस्त बनी। अभी अगर ये सब अच्छा रहा और रिजल्ट इनके अच्छे आते हैं, तो ये जो मूव है ये फर्दर कैरी रहेगी, और ये यहाँ से बढ़ के सीधा पहला तो ये लेवल तक तो जाएगा ही जाएगा, ये लेवल टेस्ट करने आएगा, ये 4 रुपए का लेवल तो पहले क्रॉस करेगा, और 4 रुपए का लेवल क्रॉस करने के बाद ये आगे के ऊपर मुंह दिखाएगा। तो ये ओवरऑल एनालिसिस आज के दिन का विकास मल्टीकॉर्प पे, अच्छी पोजीशन है, होल्ड करके रखो, पैसा जरूर बनेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड, टेक केयर।